28,000-30,000 किलोमीटर चलता है, थोड़ा सा बोलने लगता है कि हाँ टायर चेंज करो। हमारा अराउंड 65 या 70 के करीब। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पैसा बर्बाद तो नहीं है। बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग बना रहे हैं वो भी बता देता हूँ, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया। और मैं बता दूँ आज जो है मेरा छुट्टी था, मंगलवार का दिन छुट्टी में लेता हूँ तो आज छुट्टी था। और अगर छुट्टी के दिन है तो बहुत ज्यादा आराम करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो घूमने तो नहीं गए बट आराम बहुत ज्यादा किए। तो अब शाम हो गई है तो शाम में चलते, थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करना है। तो दोस्तों एक कमेंट आया था जो कि बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। जल्दी से इसमें सेट करते हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप और निकलते हैं। और बाइक भी मैंने अभी जस्ट साफ की है क्योंकि बाहर में मैंने रखा था बाइक। तो ये देखिए हमारा बाइक रखा हुआ है और शाम भी हो गया, तो चलिए जल्दी से चलते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगा तो फिर मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम निकल गए हैं घर से और आज करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। हुआ क्या ना कि आज मेरा छुट्टी था और आज मैं भी आराम किया, मेरे धन्नो भी आराम किए, दोनों आराम किए बहुत ज़्यादा। आया था कमेंट कि हाँ आपकी गाड़ी कितने माइलेज देती है, तो माइलेज वाला वीडियो मैं बना लूँगा, जल्दी ही बनाऊँगा माइलेज वाला वीडियो। और अभी जो है ऑनरशिप वाला बना देता हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी जो है 28,000 प्लस हो गया है, तो 28,000 प्लस किलोमीटर चल गई है तो इसके ऊपर मैं बना दूं कि हाँ 28,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है। 30,000 करीब करीब जाता है, 30,000-32,000 तब कोई भी गाड़ी का स्प्लेंडर हो चाहे प्लेटिना हो चाहे नॉर्मल 125 cc गाड़ी में क्या होता है, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यही देख कर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ 125 cc में अगर इतना रहेगा इसके बाद क्या होगा। तो मैं बता दूँ होता क्या है ना कि 28,000-30,000 किलोमीटर चलता है तो उसके बाद आपका बाइक जो है थोड़ा सा बोलने लगता है कि हाँ टायर चेंज करो। मैं दिखा दूँ अपना कितना किलोमीटर हमारा चला है गाड़ी। तो देखिए ये हमारा 28,166 किलोमीटर हो गया टोटल। और इसके बाद क्या होता है ना, अगर इतना चलने के बाद आपका क्या होगा, 28,000-30,000 होने पे आपका टायर देखिए अभी 28,000 है, 2,000 और चलेगा लास्टली, क्योंकि टायर का जो है ये होता है एक जगह होगा उस जगह दिया जाता है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उतना ही रहता है तो इतना यूज कर सकते हैं। पीछे वाला भी देख सकते हैं, पीछे वाला में भी टायर का ख़त्म ही हो गया, तो दोनों टायर ख़त्म हो गए तो इतना ही बचा हुआ रहता है लास्टली और इतना ही यूज कर सकते हैं टायर को, ज़्यादा यूज भी नहीं कर सकते। तो ये होता है 30,000 चलने पे। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, तो आपका जो है बैटरी भी ख़त्म हो जाएगा। बैटरी मेरा मैंने नया लगाया फिर भी प्रॉब्लम करता है बैटरी, बता दूँ कितना प्रॉब्लम करता है आपको। तो देखिए अभी स्टार्ट नहीं ले रहा है, ले लिया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। मेरा प्रॉब्लम आया था सेल्फ वाला कुछ प्रॉब्लम आया था। हाँ तो दोस्तों आता क्या है प्रॉब्लम, पहला तो मुझे ये वाला प्रॉब्लम आया, इसमें मेरा सेल्फ से स्टार्ट होता है तो ये ख़राब हो गया था, तो इसमें ठीक करवाया मैंने। और उसके बाद और भी प्रॉब्लम आते हैं बट 30,000 चलने के बाद नॉर्मली एक प्रॉब्लम ज़्यादातर आएगा, आपका टायर घिस जाएगा। तो टायर तो मेरा घिस चुका है, तो जल्दी ही मैं टायर का चेंज करवाऊँगा, अपना ये दोनों टायर को चेंज करवा लूँगा। अभी 28 है तो 30,000 चलने पर इसको करवा देना है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पैसा बर्बाद तो नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इस गाड़ी को, मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया कि 2 साल होने वाले हैं, 2 साल प्लस हो गया, हाँ 2 साल प्लस हो गया, लगभग 28 महीना हो गया। तो 28 महीना में मैंने 28,000 किलोमीटर चला दिया है इस गाड़ी को। मैंने इस बाइक से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया क्योंकि डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, तो डिलीवरी बॉय के लिए नॉर्मली बाइक ही मेन होता है, बाइक होना चाहिए आपके पास, उसके बाद बाइक रहेगा तभी काम होगा और बिना बाइक के तो काम होगा नहीं। एंड मोबाइल भी होना चाहिए आपके पास, मोबाइल रहेगा तभी हो सकता है आपका सारा काम, नहीं तो ये भी दिक्कत वाली बात है। और मैं बता दूँ कि हाँ ये सब होना आपके पास ज़रूरी रहता है तभी डिलीवरी बॉय का काम मिल सकता है। तो चलिए ये तो हो गया। और बाइक में तो और कोई ख़ास ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बस सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट आते हैं। BS6 मॉडल में अगर लेते हो तो सॉफ्टवेयर वगैरह का अपडेट आते रहता है, तो वो अपडेट कराते रहना, वही 6 महीना साल भर में आपको कराना पड़ जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, नहीं तो आप बिना सॉफ्टवेयर अपडेट के काम भी नहीं कर सकते। और माइलेज की बात करें तो माइलेज तो हमारा अराउंड 65 या 70 के करीब देता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, माइलेज भी ठीक ही ठाक है। दोस्तों मैं बता रहा था कि हाँ सेल्फ वाला प्रॉब्लम आता है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मेरे पास एक अपाची भी है जिसमें कि 6-7 साल हो गए। सेल्फ वाला प्रॉब्लम कब आता है, जब ठंडी आती है, तब ठंडी के मौसम में आपको सेल्फ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही, नॉर्मल गाड़ी में भी आ जाता है, सारे गाड़ी में आ जाता है, थोड़ा सा भी ओल्ड हो जाएगा ना साल भर तब आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। और मैंने बता दूँ शुरू में ही मेरा बैटरी जो है वहाँ पर रिप्लेस कर दिया था, उसके बाद से मेरा
मतलब हुआ था क्या कि स्टार्टिंग में मैंने लिया था बाइक, उस टाइम ही मेरा बाइक का जो है बैटरी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, और मैंने बोला कि हाँ मेरा बाइक का प्रॉब्लम कर रहा, उस टाइम चेंज करके दे दिया बैटरी। और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम था ही शुरू से ही बैटरी का, तो इसके चलते मेरा प्रॉब्लम आ गया था गाड़ी में, साल प्लस एक दो महीना हो गया था, तो वहाँ से वारंटी हट गया। तो ऐसा हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि हमने दूसरा बैटरी लगाया तो उसमें भी हमारा बैटरी ज़्यादा दिन भी नहीं चला और जल्दी ही प्रॉब्लम कर लिया। तो उसको मैंने चेंज करवाया इधर ही, फिर भी अभी प्रॉब्लम आ ही रहा है, तो मैंने सोचा है कि फिर से जाऊँगा। तो आज तो मैं नहीं जा पाया, तो चलिए कोई नहीं, आज तो नहीं जा पाए थे तो देखेंगे नेक्स्ट दिन। ऐसे भी टाइम था आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज कहीं घूमने भी नहीं गए ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम था, बट कुछ नहीं कर पाए। तो अभी सोच रहे हैं कि चलिए अब तो शाम भी हो गई, तो आज तो कहीं नहीं जा पाएंगे। ओए निकलने में शाम हो गई और इधर का रास्ता भी ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो दोस्तों मैं बोल रहा था ना कि इस बाइक में मैं कुछ दिन बाद एक्स्ट्रा लाइटें लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये देखे ना अभी थोड़ा देर पहले मैं थोड़ा सा अंधेरी जगह में था, वहाँ पे हमारा ब्लॉग नहीं बन पाया, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे चलकर कुछ दिन में लाइटें वगैरह लगा लूँ, क्योंकि अच्छा रहेगा, लाइट रहेगा ना तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी देखिए अभी अच्छा खासा लाइट है, हमारा ब्लॉग ठीक ठाक बन रहा है, मगर लाइट कम रहता ना उस टाइम हमारा नहीं बन पाता, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइट भी लगा लूँ। जैसे अभी देखिए हल्का लाइट कम हुआ, तो यहाँ पे लाइट का दिक्कत हो गया। नॉर्मली अगर यूज़ करते हैं इस बाइक का प्लेटिना का, तो आपका ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा। अब मान लीजिए रोज़ का 40 किलोमीटर चलाना है, 40 से 50 किलोमीटर, और दो साल के ढाई साल में तो दो साल चार महीने हो गए हैं बाइक के, तो इतना में मेरा बाइक का देख सकते हो चक्का भी घिस गया, और एक दो महीना में मतलब दो साल ढाई साल में मैंने अपना चक्का चेंज करने वाला हूँ। और बहुत सारे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम तो आते हैं गाड़ी में, अगर चलाते हो बाइक तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता ही रहेगा। दोस्तों मैं बता दूं अपना अगर प्लेटिना बाइक है तो उसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है। मान लो अगर आपका एक मोबाइल हो गया और थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद ढाई साढ़े 300 रुपये आपका ये, तो आपका 750 से 800 रुपये अगर इसका सर्विस कॉस्ट आएगा। अगर नॉर्मल गाड़ी चलाते हो एकदम, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं, नॉर्मली चलाते हो, तो जब भी सर्विस कर सकाओगे तो 750 से 800 रुपये का सर्विस कॉस्ट आएगा। तो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट यही आएगा अगर मोबाइल चेंज करवाते हो तो समझ लो बहुत ही कम है इसका सर्विस कॉस्ट। तो दोस्तों जिनका भी कमेंट था मैंने बना दिया उस पर वीडियो, तो कैसा लगा बताना कमेंट में, और आई होप कि ब्लॉग पसंद आए, लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।